एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये वाला ड्रेस चाहिए था इसी साइज में। जी जाइए। शाम ये ड्रेस देखो। थैंक यू। और इसकी पेमेंट भी प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। वो मेरी कजन आएंगी, उनको प्लीज दे दीजिएगा, अभी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चले क्या? वो निधा के लिए गिफ्ट भी तो लेना था। क्या लेना है? किसी और शॉप से चल के देखते हैं। तुम चल के बैठो, मैं काउंटर पे कुछ भूल आई हूँ, मैं लेके आई। ठीक है? ओके। मिल गया ब्रो। तुझे पूरे मॉल को छोड़कर यही नायाब दुकान मिली थी? हीरा है ना हीरा, वो कोयले की कान से निकलता है। छोड़, हाँ तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, चल। पैसे मैं नहीं दे रहा। मैं बहुत पैसे बचे हैं, देख तो सही, आ जा। जूते तो नहीं पड़े मुन्ना चाचा से? नहीं, लेकिन लगता है तुम्हारी सही खिंचाई हुई था अम्मी से, तभी तोरी की तरह शक्ल लटकाई हुई है। इस तोरी में जहर भरा हुआ है, जरा एहतियात से। तो मैं कौन सा खाने जा रहा हूँ? कल अगर हीरोगिरी कर ली है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगी। जो जबान तुम मेरे सामने चलाती हो ना, अगर उन लफंगों के सामने भी चला लेती तो मेरी हीरोगिरी की नौबत ही ना आती। उनको तो औरतों से तमीज से बात करने के बड़े भाषण दे रहे थे तुम, अपनी जिंदगी में भी ये बातें अप्लाई कर लिया करो। सही कह रही हो, चलो तमीज से कर लेते हैं बात। क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो? तुम मेरी मुश्किल को छोड़ो, शजीत आया पे कौन सी मुश्किल आन पड़ी जो गाड़ी की फरोख्त का ऐड दे दिया नेट पे। तुमने देखा? जाहिरी सी बात है, अब शजीत आया खुद फोन करके थोड़ी बताएंगे मुझे। वैसे क्यों बेच रहे हैं अपनी डार्लिंग को? वो उनको नया मॉडल पसंद आ गया था। ओ। अरे वाह, ये लो। ये आपने कब खरीदा? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज। थैंक यू। अब यही पहन के जाना कल यूनिवर्सिटी। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी पहन लूं। पहन लो। मानो जरा अपना फोन दे मुझे। क्या हुआ खैरियत? तेरे मामे के तो दिमाग से मेरा जरा मट्टी हटानी है। जरूरत कैसे हुई मीसने की मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने के लिए? मेरा ड्रेस तो देखे नया। पहले हालात इतने खराब है, इतना महंगा जोड़ा लेने। मैंने नहीं लिया, मुझे बिट्टू आपने खरीद के दिया है। बस भाभी आपने पुप्पी और भतीजे के बीच में नहीं बोल। चलो शुक्र है मानी तो सही कि पुप्पी है, वरना आपा आपा की राटे सुन सुन के ना हमारा दिमाग पोला हो गया। हाय हाय फटे मुंह, फोन ही बंद किया हुआ है। चवल ऑन हुआ ना फिर देखना मैंने इसके साथ इसका क्या करना है। नेटवर्क ही उड़ गया होगा। उनकी तारें बहुत मजबूत हैं, इतनी आसानी से नहीं उड़ता नेटवर्क। लेकिन इस बार लगता है तीर निशाने पर लगा है। मतलब? लगता है बायोडाटा पहुंच गया उनके पास उनके रकीब का। छोड़ो, तुम बताओ अस्फी ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहेगा, मैं तो उसकी सुनती भी नहीं हूँ।